नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का बेटा एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और बज गए हैं सुबह के 6 बजे, यानी कि आपकी करंट अफेयर्स वाली क्लास का टाइम हो चुका है। तो आ गया हूं मैं लेकर के आपकी अपनी करंट अफेयर्स वाली क्लास, जिसमें हम लोग कवर कर रहे थे पिछले 6 माह का करंट अफेयर। और अब हम लोगों ने 10 सितंबर से लेकर के पिछले 6 माह का करंट अफेयर कवर कर लिया है, उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। 10 सितंबर से आगे की डेट पे हम लोग आ चुके हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने 11 से 17 सितंबर तक का करंट अफेयर कवर किया था। आज की आपकी अपनी इस वाली क्लास में हम लोग कवर करेंगे 17 सितंबर के बाद वाले करंट अफेयर्स को। एक जरूरी बात क्या है भाई? जरूरी बात यह है कि आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी चाहिए। आपको पता है तो चाहिए, नहीं पता है तो भी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि एग्जाम के समय पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ से ही आप लोग रिवाइज करोगे, तो उसको रिवाइज करने के लिए आपको चाहिए पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। क्या मेहनत करनी होगी? पीडीएफ के लिए आप लोगों को ज्वाइन करना होगा एग्जाम कोच का टेलीग्राम चैनल। एग्जाम कोच का टेलीग्राम चैनल आप सभी को ज्वाइन करना है, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं से मिलने वाली है। ठीक है भाई? तो पीडीएफ के लिए एग्जाम कोच का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक ये है, एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ 7311747488 इस वाले नंबर को नोट कर लीजिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हो किसी भी कारणवश टेलीग्राम चैनल से, तो इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा और आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो ये तो बात हुई पीडीएफ की। अब शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास को। 18 सितंबर, मैंने क्या बताया कि 11 से लेकर के 17 सितंबर तक के करंट अफेयर्स हम लोग पिछली वाली क्लास में कवर कर चुके हैं। आज की आपकी अपनी इस वाली क्लास में हम लोग 18 सितंबर से करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज की पहली न्यूज से शुरू करेंगे। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 सूरत में आयोजित किया गया। तो आपका अखिल भारतीय जो राजभाषा सम्मेलन है, यह 2022 में सूरत में आयोजित किया गया। सूरत में ये किस तारीख को आयोजित किया गया? तो आपको भी पता है आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो 14 और 15 सितंबर को 2 दिन का ये सम्मेलन सूरत में आयोजित किया गया था। राजभाषा, चूंकि आपको सभी को पता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, इसी वजह से अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 सूरत में आयोजित किया गया। तो ये राजभाषा सम्मेलन था। साथ ही साथ इसमें एक चीज का और सेलिब्रेशन किया गया, एक उत्सव और मनाया गया, और वो था आपका हिंदी दिवस। हिंदी दिवस भी हम लोगों ने मनाया 14 सितंबर को। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2022 तक औद्योगिक निवेश के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक विभाग है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक विभाग है जो कि 2019 में बना था, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। इंडस्ट्रियल और इंटरनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक विभाग है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का। इसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें आंध्र प्रदेश को शीर्ष औद्योगिक निवेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के मामले में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि आंध्र प्रदेश के पास सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल निवेश आ रहा है इस वक्त। ठीक है भाई? हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया। आप सभी को पता है कि आपके जो पूर्व अटॉर्नी जनरल थे माननीय वेणुगोपाल जी को 2 बार सेवा का एक्सटेंशन भी दिया गया, लेकिन इस बार उन्होंने पहले ही बता दिया कि भैया इस बार हमको चाहिए रिटायरमेंट्री, अब मेरी उम्र नहीं रह गई नौकरी करने की, तो मुझे रिटायरमेंट्री चाहिए। तो इसके बाद आर वेंकट रमणी जी को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। दुनिया का तीसरा और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। दुनिया का तीसरा और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। तो तेलंगाना सरकार ने इस पे मोहर लगा दी है, बहुत जल्द आपका एक वानिकी विश्वविद्यालय तैयार हो जाएगा तेलंगाना में। इसके पहले ये दुनिया का तीसरा है, तो दुनिया में पहले दो कहां पे हैं? दुनिया में पहले दो हैं आपके, एक तो आपका चाइना में है वानिकी विश्वविद्यालय, और दूसरा है आपका रशिया में। चाइना और रशिया के पास पहले से एक एक
वानिकी विश्वविद्यालय है और जो तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय है वो आपके अपने भारत में है। भारत में कहां पे है? तो तेलंगाना में है। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। दुनिया भारत में इस साल जो वानिकी विश्वविद्यालय खोला गया ये किस नंबर का है? तो ये तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय है पूरी दुनिया में। इस पे बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग थीम के साथ विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। आपको भी पता है कि ओजोन लेयर का बहुत ही तेजी के साथ डिप्लीशन हो रहा था, तो कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए हम लोग विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये भी ओजोन लेयर से ही एक संबंधित प्रोटोकॉल है। सोलह सितंबर 1987 को सबसे पहले एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें पूरी दुनिया भर के देशों का यह कहा गया था कि इनका एक सहयोग होगा जिसमें कार्बन का उत्सर्जन कम किया जाएगा। तो उसी ये 16 सितंबर 1987 को स्टार्ट हुआ था ये, और उसी को हम लोग बोलते हैं जो एक हस्ताक्षर है दुनिया भर के देशों के बीच में कार्बन उत्सर्जन की कमी को लेकर के, उसको हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो आपका स्टार्टिंग हुई 16 सितंबर 1987 वाली, यहां से डेट स्टार्ट हुई थी लेकिन ये फाइनली 1994 में जाकर के ये प्रोटोकॉल पास हुआ, और 16 सितंबर 1995 से लगातार हम लोग 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। सितंबर 1995 से। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कोपेनहेगन है। तो आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कोपेनहेगन को माना गया। अब दुनिया का सबसे सुरक्षित कोपेनहेगन आपको पता है तो आप अपने भारत का जानने के लिए उत्सुक होंगे कि भाई हम अपने देश में कहां जाएंगे तो सबसे सेफ रहेंगे। तो भारत में मुंबई और आपकी अपनी राजधानी नई दिल्ली को दुनिया भारत के सबसे सेफ सिटीज के रूप में जगह मिली है। दुनिया के सेफ सिटीज में बात करें तो न्यू दिल्ली और मुंबई को मिला है, जहां पर दिल्ली को 48 प्लेस, दिल्ली को 48वां स्थान और मुंबई को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली और मुंबई भारत के हैं, दिल्ली को 48वां स्थान और मुंबई को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया है। तो 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया है। अब आपको भी पता है कि अपने देश में जो जितना भी ये लॉजिस्टिक का काम होता है, जितना भी चीजों को यहां से वहां ले जाने का गुड्स कैरिंग का काम होता है, ये ज्यादा से ज्यादा लैंड रोडवेज के द्वारा जाता है, उसके बाद सीवेज और उसके बाद एयरवेज। तो इस पे बहुत ही ज्यादा अपनी जीडीपी, कुल जीडीपी का लगभग 13 से 14% अप्रोक्सीमेट हम लोग खर्चा कर देते हैं सामान को इधर से उधर लाने और ले जाने के लिए। तो मोदी सरकार ने क्या टारगेट रखा? एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति बनाई और उसके तहत यह टारगेट रखा कि अगले 10 सालों में पूरे जीडीपी का ये जो 13 से 14% खर्च होता है इसको कम करने का टारगेट है, और कम करके 10 सालों में 10% तक लाने का टारगेट रखा गया है। टोटल 10% तक लाने का टारगेट रखा गया है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति में। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो केंद्र सरकार ने जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर योजना की शुरुआत किया। इस अमृत सरोवर जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है कि हमको अपने फ्यूचर के लिए खुद ही को जल बचाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बेहतरीन काम किया है आपकी अपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने और इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
अब उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ तो इसके बाद कौन है और क्यों शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश ने अमृत सरोवर योजना के तहत 8462 झीलों का निर्माण किया। 8462 झीलों का निर्माण करने के बाद उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, चौथे पे राजस्थान है और आखिरी पांचवा स्थान जो है वो आपके तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। पांचवा स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। शीर्ष पे याद रखिएगा कौन है, शीर्ष पे आपका उत्तर प्रदेश और दूसरे पे आपका मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ, तीसरा जम्मू कश्मीर। विद्युत मंत्रालय द्वारा इमारतों में शून्य कार्बन परिवर्तन विषय पर 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 आयोजित किया गया। विद्युत मंत्रालय द्वारा इमारतों में शून्य कार्बन परिवर्तन विषय पर 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 आयोजित किया गया। ठीक है भाई, 20 सितंबर की बात करते हैं। हाल ही में बेंगलुरु के शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76th ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में बेंगलुरु के शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनसे पहले 75 ग्रैंड मास्टर भारत दे चुका है। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 26वीं बैठक मुंबई में आयोजित की गई। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है उनकी अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की एक बैठक 26वीं बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला देश का तीसरा बैंक SBI बना है। SBI का जो शेयर मार्केट का रेट है उसमें काफी तेजी के साथ बढ़ोतरी देखी गई, जिसके साथ आपका SBI जो है ये 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला भारत का तीसरा बैंक है। तो इसके पहले दो बैंक कौन से हैं? इसके पहले भी आपके दो बैंक, एक आपका HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, ये दोनों बैंक इसके पहले 5 लाख करोड़ के क्लब में शामिल हो चुके हैं। अगली बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक नगर राखीगढ़ी में इंटरनेशनल म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो आपका ये जो राखीगढ़ी है ना बेटा, यहां पे एक इंटरनेशनल म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। राखीगढ़ी जो है आपका हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में आपका स्थित है राखीगढ़ी। अब हिसार में तो स्थित है, राखीगढ़ी की कहानी क्या है भाई? राखीगढ़ी आपका एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक नगर है, बहुत ही ज्यादा इतिहास से जुड़े यहां पर बहुत सारे सबूत मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें राखीगढ़ी की, तो हिसार जिले में धौलावीरा के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, सबसे बड़ा धौलावीरा और उसके बाद राखीगढ़ी आपका आता है, जो कि हिसार में पड़ता है। महाराष्ट्र नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो जैसे कि अपने केंद्र सरकार के लेवल पर केंद्र सरकार की सारी नीतियों को बनाने के लिए कि कैसे कैसे हम लोग डेवलपमेंट हम लोग करेंगे, हमारा अगले 5 साल के लिए क्या टारगेट रहने वाला है, इसलिए केंद्र सरकार के लिए योजना बनाती है नीति आयोग। तो उसी की तर्ज पर महाराष्ट्र की सरकार अपने प्रदेश के विकास के लिए योजना बनाने के लिए नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्था बनाने के पर विचार कर रही है, पर अभी वो संस्था आई नहीं है। 21 सितंबर 2022, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 2022 वुमेन्स रग्बी विश्व कप सेवेंस का खिताब जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है वुमेन्स रग्बी विश्व कप का खिताब। सितंबर 2022 में भारत की पहली लिथियम सेल प्रोडक्शन प्लांट का शुभारंभ तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया। तो भारत की पहली लिथियम सेल प्रोडक्शन प्लांट, लिथियम से जो बैटरीज बनती है ना, उसका प्लांट भारत का पहला तिरुपति आंध्र प्रदेश में लग गया है। भारत का पहला डिजिटल एड्रेस सिस्टम प्राप्त करने वाला शहर इंदौर होगा। तो इंदौर के पास अब क्या है? डिजिटल एड्रेस सिस्टम प्राप्त करने वाला शहर इंदौर होगा। इससे सरकारी कामों में, मैपिंग में, हर चीज में बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। यह बहुत ही एक्यूरेट लोकेशन आपकी बताएगा।
डिजिटल एड्रेस सिस्टम, एक यूनिक कोड है ये। तो इसका जो पहला प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा है, इंदौर है मध्य प्रदेश का। 2023 में होने वाले शांघाई सहयोग संगठन की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। शांघाई सहयोग संगठन के बारे में बता रखा है, तो अगली जो शांघाई सहयोग संगठन की बैठक होगी उसकी मेजबानी भारत करेगा। 22 सितंबर 2022, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए मिशन निर्मया शुरू किया है। देखो भाई, मिशन निर्मया की शुरुआत किया है आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। जैसे भाई जितनी जरूरत मेडिकल को डॉक्टर की होती है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं रोल रहता है पैरामेडिकल स्टाफ का। तो पैरामेडिकल स्टाफ की एक उचित गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग हो, मतलब हाई लेवल ट्रेनिंग हो, उनका एग्जाम्स वगैरह को कंडक्शन को लेकर के कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं ताकि जितना बेहतरीन हो सके उतनी बेहतरीन ट्रेनिंग पैरामेडिकल स्टाफ को और नर्सिंग स्टाफ को दिया जाए। इसके लिए मिशन निर्मया की शुरुआत किया है आपके अपने योगी आदित्यनाथ जी ने। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में गोंड जाति व उसकी 5 उपजातियां धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। तो 13 जिलों में जो निवास करती हैं ये जातियां, जो कि आपकी गोंड जाति जो है, गोंड जाति इसकी उपजातियां हैं, इन सब 5 उपजातियां, इन सबको अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया है। हाल ही में जापान की स्टार्टअप कंपनी ने दुनिया की पहली उड़ान भरने वाली बाइक एक्स ट्यूरिस्मो होवा बाइक का अनावरण किया। तो अमेरिका में एक प्रदर्शनी लगी थी जिसके दौरान इस बाइक को शो के लिए रखा गया था। तो यानी कि अब आप पहले एरोप्लेन से उड़ते थे, हेलीकॉप्टर से उड़ते थे, फिर धीरे धीरे आप कार से उड़ना शुरू किए, अब आप बाइक से भी उड़ सकते हो। अप्रोक्सीमेट लागत लगाई गई कि अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो 6 करोड़ रुपए की ये बाइक आपको मिल जाएगी। 6 करोड़ रुपए की ये बाइक है। नाम क्या है? एक्स ट्यूरिस्मो होवर बाइक का अनावरण किया गया है। तेलंगाना सरकार ने नए सचिवालय भवन का नाम बीआर अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। भाई आपका जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से टूट करके तेलंगाना अलग हुआ, अब तेलंगाना को चाहिए था नया सचिवालय, तो इसने नया सचिवालय भवन का निर्माण किया और उसका नाम बीआर अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। 23 सितंबर 2022, हाल ही में देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप को घोषित किया गया है। हाल ही में देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप को घोषित किया गया है, जहां का जल अधिक मात्रा में, यानी कि अपने अदर स्टेट के मुकाबले सबसे स्वच्छ जल कहां मिलेगा आपको? अंडमान निकोबार। तो एक्वागार्ड लगवा लेना, अंडमान जाने की मत सोचना, ठीक है? इधर देखो, CSIR की विज्ञान प्रगति पत्रिका को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका प्रकाशन 1952 में शुरू किया गया था। CSIR की एक पत्रिका आती है जिसका नाम है विज्ञान प्रगति, इसको सर्वश्रेष्ठ यानी कि प्रथम पुरस्कार से इसकी राजभाषा के लिए सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका प्रकाशन 1952 में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, विज्ञान प्रगति पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1952 में शुरू हुआ। इसको इस वर्ष किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरा क्वेश्चन, विज्ञान प्रगति का प्रकाशन कौन करता है? तो CSIR करता है। हाल ही में फ्रांस ने प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको? फ्रांस ने किया है। फ्रांस ने प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। अंडर 19 महिला विश्व T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। 24 सितंबर की बात करते हैं, 24 सितंबर 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बजरंग पूनिया बने हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में एक नहीं, दो नहीं, कुल 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बजरंग पूनिया जी हैं।
हाल ही में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 341 के तहत धर्मांतरण करने वाले दलितों के लिए एक आयोग का गठन करने की घोषणा की है। कई सारे दलित लोग थे जिन्होंने अपना धर्मांतरण किया था अनुच्छेद 341 के तहत कि आप फ्री हो अपना रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके लिए एक आयोग का गठन करेगी भारत की केंद्र सरकार। नवंबर 2022 में यूएई ने फॉल्कन 9 स्पेस एक्स रॉकेट पर अपना पहला चंद्र रोवर रासिद रोवर लॉन्च करने की घोषणा किया है। नवंबर 2022 में इसका लॉन्च होगा। यूएई ने फॉल्कन 9 स्पेस एक्स रॉकेट पर अपना पहला चंद्र रोवर, जिसका नाम क्या है, उस चंद्र रोवर का नाम क्या है, रासिद रोवर, इसको लॉन्च करने की घोषणा किया है। असम में स्थित भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का निर्माण कार्य 2022 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि भारत बांग्लादेश के बीच में एक मैत्री पाइपलाइन बिछाई जा रही है जो कि असम में स्थित है, और इसका जो काम है वो 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। मतलब 2022 के एंड तक इसको चालू करने का पूरा प्लान है। असम में स्थित है ये भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का निर्माण कार्य 2022 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये रही आपकी 24 सितंबर तक की महत्वपूर्ण खबरें जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम कोच 1। अगर आप डायरेक्ट किसी भी कारणवश टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर है 7311-7488। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज, कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज करके लिंक मांग सकते हो टेलीग्राम की, और फिर टेलीग्राम से ज्वाइन कर, टेलीग्राम से आप ज्वाइन इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग ठीक 6 बजे कल। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।